हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल फाइव स्टूडियो में। दोस्तों, मेरे पास लावा का Z60S मॉडल है। इसमें FRP लॉक है दोस्तों। इसको स्टेप बाय स्टेप बाईपास करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले वाईफाई से नेट को कनेक्ट कर लीजिए। मेरा नेट कनेक्ट किया हुआ है। दोस्तों ये देखिए, वेरीफाई योर अकाउंट, तो सैम्पली इसको बैक कीजिए और इमरजेंसी पे क्लिक कीजिए। इमरजेंसी पे दो बार क्लिक कीजिए, फिर ये पेंसिल का आइकन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद ऐड अकाउंट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद लाभा केयर में क्लिक कीजिए, फिर लाभा केयर पे क्लिक कीजिए। उसके बाद इस पेंसिल का आइकन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ ये सारे नंबर को काट दीजिए और यह 112 करके सेव कर लीजिए। फिर यहाँ ओके कीजिए, अलाउ मांग रहा है अलाउ दे दीजिए और इसको काट लीजिए। यहाँ डायल करना आपको स्टार हैच 4636 हैच स्टार। फिर ऐप्स में क्लिक कीजिए। दोस्तों यूट्यूब गोप में क्लिक कीजिए, फिर ऐप्स नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यूट्यूब टर्मिनस एंड सर्विस में क्लिक कीजिए तो क्रोम ब्राउज़र खुल जाएंगे। ये देखिए खुल चुका है क्रोम ब्राउज़र। नेक्स्ट कीजिए, नो थैंक्स। दोस्तों अब यूट्यूब खुल चुका है। तो ये सर्च बार में आपको लिखना है vnromnet। दोस्तों vnrom लिखने के बाद डॉट मत दीजिएगा, सिर्फ vnromnet लिखिएगा। ये पहले नंबर पे ही आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ से दो एप्लीकेशन लोड करना है। इसको अलाउ कर दीजिए, मैं इसको थोड़ा हटा लेता हूँ। अलाउ कर दीजिए, फिर FRP vnrom को लोड कर लीजिए। ये थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये एप्लीकेशन बहुत बड़ा है, ये कटेगा भी नहीं। दोस्तों कंटिन्यू कर दीजिए, अलाउ मांग रहा है अलाउ दे दीजिए, सेव कर लीजिए डाउनलोड। अब सिंपली इसको एक बार बैक कर लीजिए और ऊपर थ्री डॉट ये तिरका निशान पे क्लिक करके डाउनलोड पे जाइए। ये देखिए डाउनलोड हो रहा है। दोस्तों ये टाइम लगेगा इसलिए मैं थोड़ा सा कट चुका हूँ बीच में से। तो इसको इंस्टॉल कर लीजिए, इसको अलाउ कर दीजिए। ये दोस्तों ये इंस्टॉल होने के बाद आपको सीधा बैक जाना है, पूरा बैग जाना है यहाँ से। यहाँ और कोई काम नहीं है दोस्तों। सीधा बैग कीजिए, पूरा बैग कीजिए, बैग बैग बैग। पूरा बैग कर लीजिए। दोस्तों फिर वही दोहराना है आपको, इमरजेंसी पे जाना है, ऊपर थ्री डॉट दो बार क्लिक करना है यहाँ पर। फिर ये पेंसिल का आइकन पे क्लिक कीजिए, फिर लाभा केयर में क्लिक कीजिए।
सॉरी, ये तो पहले से ही सेव किया हुआ था। ओके पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ फिर आपको वही लिखना है, स्टार हैच 4636। हैच स्टार हैच फिर आप इसको बैक कर लीजिए। देखिए सेटिंग आ चुका है। आप सीओडी में जाइए और यहाँ से आपको तीन एप्लीकेशन को आपको डिसेबल करना है, डीएक्टिवेट करना है। ये डीएक्टिवेट हो चुका है दोस्तों। फिर आपको ऐप्स में जाना है। सेलेक्ट ऑल कर लीजिए, फिर थ्री डॉट के आइकॉन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद शो सिस्टम कर लीजिए। यहाँ से दो एप्लीकेशन को डिसेबल करना है दोस्तों, एक तो गूगल प्ले स्टोर और प्ले सर्विस को, दोनों को ही डीएक्टिवेट कर लेना है। इसको बैक करना है, बैक ऊपर से होगा दोस्तों। इसको भी प्ले स्टोर को भी डिसेबल कर लिया। यहाँ से एक जीमेल आईडी को लॉगिन कर दीजिए। देखिए यह नया जीमेल आईडी, मेल आईडी खोल भी सकते हैं। दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा हाइड कर लेता हूँ। दोस्तों ये देखिए मेरा जीमेल आईडी ऐड हो चुका है दोस्तों। अब आपको फिर वही सेटिंग पे जाना है। बैक कीजिए, सीओडी में जाइए और जो तीन ऐप्स को आपने डीएक्टिवेट किया था उसको एक्टिवेट कर दीजिए। सेट ऑल कीजिए, थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, शो सिस्टम कर लीजिए। उसके बाद स्क्रॉल कीजिए दोस्तों, वो प्ले स्टोर को और गूगल प्ले सर्विस को, दोनों को ही डिसेबल किए थे उसको एक्टिवेट कर दीजिए। और फिर फ़ोन को रिस्टार्ट कर दीजिए। अब देखते हैं दोस्तों ये पर भी कटा कि नहीं। ये देखिए दोस्तों ये पर भी कट चुका है। तो दोस्तों अब इसको नेस्ट नेस्ट करके सेटअप कर लीजिए।
है। देखिए दोस्तों, प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों आप सेटिंग पे जाइए और जो ईमेल आईडी आपने डाले थे उसको रिमूव कर सकते हैं, या तो फिर फैक्ट्री डाटा रिसेट मार लीजिए। फुल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।